Hello everyone, welcome to the Microprocessor and Applications lecture class. In this lecture, we will discuss the 8085 DMA, which is also known as the 8085 DMA controller. ये जो DMA है, it stands for Direct Memory Access. तो actually ये जो DMA है, ये design किया गया है Intel के द्वारा for transferring the data at the fastest rate. मतलब बहुत fast rate पर अगर data को transfer करना है तो वो DMA के through होता है. तो actually ये करता क्या है, ये device को allow करता है to transfer the data directly to or from the memory to the input-output without any interference of CPU. मतलब ये data का ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट टू द मेमोरी और फ्रॉम द मेमोरी टू द इनपुट आउटपुट, और इसमें सीपीयू का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. मतलब विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ सीपीयू डेटा का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द मेमोरी टू द इनपुट आउटपुट. और ये जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है, एक्चुअली ये होता है बाई यूजिंग अ DMA कंट्रोलर. एक्चुअली ये जो DMA कंट्रोलर है, इसके थ्रू जो डिवाइस है वो CPU को रिक्वेस्ट सेंड करेगा फॉर होल्डिंग द डेटा एड्रेस एंड द कंट्रोल बस. मतलब सबसे पहले डिवाइस जो है DMA कंट्रोलर के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजेगा CPU को, होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू होल्ड द सिस्टम बस. सिस्टम बस मतलब तीनों तरह का जो भी बस है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस, उसको होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा. और ये रिक्वेस्ट इसलिए सेंड करता है ताकि जैसे ही ये तीनों बस को होल्ड करेगा तो फिर जो डिवाइस है वो फ्री हो जाएगा टू ट्रांसफ़र द डेटा डायरेक्टली टू और फ्रॉम द मेमोरी. लेकिन ये जो DMA डेटा ट्रांसफ़र है, ये स्टार्ट तभी होगा जब CPU स्विच को HLDA सिग्नल मिल जाएगा. मतलब होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये डेटा ट्रांसफ़र नहीं स्टार्ट होगा. तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसमें चार स्टेप्स इन्वॉल्व है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर किसी भी डिवाइस को डाटा को सेंड करना होता है बिटवीन द डिवाइस एंड द मेमोरी, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, DMA रिक्वेस्ट सेंड करेगा. मतलब DMQ रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू द DMA कंट्रोलर. सबसे पहले डिवाइस जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा DMA कंट्रोलर को, फिर DMA कंट्रोलर जो है वो फिर होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा CPU को और वेट करेगा, CPU के लिए वेट करेगा जब तक वो उसको होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल HLDA नहीं सेंड करता है. उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, वो ट्राई स्टेट करेगा जितना भी बस सिस्टम बस है, मतलब डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, उसको माइक्रो प्रोसेसर ट्राई स्टेट करेगा तीनों बस को. उसके बाद CPU जो है वो अपना कंट्रोल जो है तीनों बस पे उसको छोड़ देगा और इसको बताने के लिए वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल HLDA सेंड करेगा उस डिवाइस को कि आई एम रेडी एंड आई एम लीविंग होल्ड ओवर ऑल द थ्री बस. अब इसके बाद होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जब मिल गया डिवाइस को तब CPU जो है वो होल्ड स्टेट में रहेगा और DMA कंट्रोलर जो है वो सारा ऑपरेशंस को मैनेज करेगा बिटवीन दी CPU मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो DMA है ये एक्चुअली है क्या, ये एक
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू डेटा का ट्रांसफर होता है बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट एंड आउटपुट। और एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है बाय एन एक्सटर्नल सर्किट विच इज़ कॉल्ड डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर के थ्रू ये जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो होता है, जिस और इस डीएमए कंट्रोलर के थ्रू ही डेटा का ट्रांसफर करता है ये बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट। और इसमें सीपीयू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये सारा कुछ जो होता है इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 में दो पिन होता है, दैट इज HOLD होल्ड पिन एंड HLDA पिन। और ये दोनों पिन जो है होल्ड एंड HLDA दे आर यूज फॉर DMA ऑपरेशन। सबसे पहले DMA कंट्रोलर होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा CPU को, और ये होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो उसमें क्या होगा कि होल्ड पिन पे हाई सिग्नल हो जाएगा। तो CPU जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है उसको वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद CPU जो है होल्ड रिक्वेस्ट मिलने के बाद वो होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल HLDA सिग्नल भेजेगा DMA कंट्रोलर को। जैसे ही DMA कंट्रोलर को होल्ड रिक्वेस्ट सिग्नल HLDA मिलेगा देन इट विल टेक कंट्रोल ओवर द सिस्टम बस, मतलब तीनों बस के ऊपर DMA कंट्रोलर का कंट्रोल हो जाएगा और डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। और जब ये DMA ऑपरेशन हो रहा है, मतलब जब डायरेक्ट डेटा का ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टली बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट आउटपुट, उस समय प्रोसेसर जो है, मतलब जो CPU है, दैट इट इज़ फ्री टू परफॉर्म नेक्स्ट जॉब जिसमें सिस्टम बस का जरूरत नहीं है। और जब ये डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो DMA कंट्रोलर है वो रिक्वेस्ट को फिर एंड करेगा, तो उसके लिए वो क्या करेगा कि लो सिग्नल फिर सेंड करेगा होल्ड पिन पर। और जैसे ही होल्ड पिन पर लो सिग्नल मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर ये डिवाइस को, तो जो CPU है उसका कंट्रोल फिर हो जाएगा सिस्टम बस पे। और ये वो इसके लिए वो फिर इसको डिवाइस को रिक्वेस्ट ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल HLDA सेंड करेगा बाय मेकिंग HLDA लो। सो दिस इज़ हाउ